नमस्कार चौहान जी, हमारे साथ हमारे हमसे जुड़े करीबन 2 साल से जुड़े हैं ये वीरेंद्र सिंह चौहान जी है। 15 जगह है यहाँ, 15 जगह है। नेरवा से करीबन 20 किलोमीटर 26 किलोमीटर आगे हैं। इस टाइम यहाँ की हाइट है करीबन 7.5 फीट। मैं आपको बताना चाहूँ, आपने ये बगीचा को एक बार जूम करें, मैं अभी चौहान जी से कुछ पूछना चाहूंगा। ये आपने पौधे कहाँ से लिए थे और कब लिए? ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे, इंडो डच से लिए थे ये पौधे। ये चड्डा जी है उसके जी, उनसे लिया था हमने ये नैनीताल। ये इम्पोर्टेड प्लांट्स आया था उनके पास बाहर से, तो वो लिया था हमने। आपने कितने पौधे लाए थे इंडो डच कंपनी से? ये हमने लास्ट ईयर 600 प्लांट्स लाया। अच्छा, आपके साथ और लोग आते हैं हिमाचल से? ये मेरे साथ दिनेश प्रेमता जी। दिनेश प्रेमता जी ने कितने पौधे लाए थे? उन्होंने तो काफी, उनका तो 6,500 प्लांट्स आया था लास्ट ईयर जो आया था। मैं अपने जो हमारे साथ उन्नति फार्मर में जुड़े किसान हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा जो मेहनत चौहान जी ने की वो आज तक मैंने किसी किसान में नहीं देखी। और जो किसान कर रहे हैं, मैंने उत्तराखंड में देखे कई किसान ऐसे हैं जिनका बगीचा ऐसे ही है, पर थोड़ा इतना नहीं उनका जो है लास्ट ईयर उनका 2019 में लगाए थे हमने। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी बागवानों को, ये ऐसे एग्रेसिव किसान है। पहले ये बंजर लैंड थी, ये बता रहे थे से, पूरा बंजर लैंड थी। इन्होंने 600 पौधे लाए थे। पौधे की ग्रोथ देखिए आप, ये पौधा करीबन 10-12 फीट का चले जा चुका है जी, 10-12 फीट का जा चुका है। इसकी ग्रोथ देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, इसका थाई देखिए, ये देखिए। मैं ये वैरायटी कौन से साहब आपने जो ये है? डार्क बेरंगाला। ये डार्क बेरंगाला है इंडो डच कंपनी का, उत्तराखंड की जो कंपनी है जिसका हिमाचल में चल भी रहा कि उत्तराखंड की कंपनी के इंडो डच की जो कंपनी है डार्क बेरोन भी सबसे टॉप पे चल रहा, गाला चीनी को रेड टॉप पे चल रहा और किंग रोड टॉप पे चल रहा। तो आप जो हिमाचल हमारे उत्तराखंड के किसान है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उत्तराखंड का जो जमीन है वहाँ की वो यहाँ से ज्यादा बेहतर लगी मेरे को जी। अगर वहाँ इस तरह का बागीचे लग जाए तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा जल्दी डेवलप हो सकते हैं, ये पक्का है। मैंने कई जगह देखी है, उत्तराखंड बहुत जगह गया हूँ मैं, मैंने कई जगह देखा है तो अच्छा है। वहाँ की जो लैंड है वो इस चीज के लिए लगभग खासकर हाई डेंसिटी के लिए बहुत ही अच्छी लगी है। हमारे साथ ये केदार चौहान जी भी है, इनका ही मैं परिचय करा दूं। ये थियारा जगह है, 20 किलोमीटर दूर नेरवा से। ये हमारे नए फार्मर जुड़े हैं, ये इनकी अभी हमने बगीचे का लेआउट कर चुके हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपको, आपने से पहले इंडो डच के बगीचे देखे, अभी चौहान जी आपके बगल में हैं, इनका बगीचे में आप भी उपस्थित है, आपको कैसा लगा कि मैं इंडो डच से ही लूं? एक तो जो हमारे चौहान जी है इनसे प्रेरणा लेके हम आपसे जुड़ना चाह रहे हैं क्योंकि आपके अच्छे रिजल्ट है, तो आगे भी हम इसको करना चाहेंगे। फिर इससे आगे भी हमारे जो भाई लोग है, जो हमारे अभी शुरू पो है, अभी इतना इधर है नहीं, हाई डेंसिटी का है नहीं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे और भी गांव से है वहां पे लैंड है वो लोग भी करें, इसलिए हम पहले जुड़ना चाह रहे हैं। मैं सभी आप लोगों का, चौहान साहब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया और इंडो डच के पौधे लिए। आपने बहुत अच्छे से इनकी मेहनत कर रहे, ग्रोथ दे रहे हैं, और मैं अपने जो उन्नति के फार्मर हैं उनके लिए चौहान जी प्रेरणा के स्रोत हैं। आप चौहान जी से सीखिए, चौहान जी के जैसे जो चौहान जी ने कहा कि पौधे इंडो डच से लाए थे, कब लाए थे, इनके साथ जो दिनेश प्रेमता जी थे जिन्होंने 6,000 पौधे 2018 में लाए थे, उनके लैंड में भी गया था, यहीं पे इतनी ग्रोथ है वहां पे, बहुत लाजवाब है। इंडो डच जो काम कर रही है इस टाइम पे हिमाचल और उत्तराखंड में, वो एक पूरे हिमाचल उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। मैं आप सभी किसानों से कहना चाहूंगा कि आप इंडो डच से जो जब तक हमारे CSR फंड के तहत उन्नति जो योजना चली है, आप 2021-22 तक इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बागवानी पे ध्यान दें, आप आत्मनिर्भर बने। इसी के साथ में चौहान साहब का, आप चौहान जी का बिल्कुल दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हिमाचल के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि आप भी जो है इस योजना से जुड़िए, आप अधिक फल लीजिए। धन्यवाद।